भय्यू महाराज आत्महत्या कांड में एक नए तथ्य का खुलासा हुआ है। भय्यू महाराज की बेटी कुक्कू द्वारा एक बयान पुलिस को दिया गया है, जिसमें उसने यह कहा है कि संदिग्ध युवती जो अपने आप को कुहू की केयरटेकर बता रही थी, कुहू ने स्पष्ट कहा कि वह केयरटेकर नहीं थी। इसके बाद भी वह घर पर ही रहती थी। कुहू के इस बयान के बाद अब विनायक और संदिग्ध युवती दोनों पुलिस के कटघरे में हैं। यह भी आशंका है कि इन दोनों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। भय्यू महाराज आत्महत्या केस में ड्राइवर कैलाश पटेल द्वारा यह कहा गया था कि संदिग्ध युवती भय्यू महाराज को ब्लैकमेल कर रही थी। वह 40 लाख रुपए एवं फ्लैट के साथ ही महंगी कार भी मांग रही थी। उसकी धमकी के कारण ही भय्यू महाराज द्वारा आत्महत्या कर ली गई। कई सेवादारों ने कैलाश पाटिल के इस बयान को गलत बताया था, लेकिन विनायक तथा संदिग्ध युवती के बयान जब सामने आए तो यह बात सामने आई कि संदिग्ध युवती कुहू की केयरटेकर थी। वह महाराज को कभी ब्लैकमेल नहीं कर सकती, महाराज उसे अपनी बेटी के समान मानते थे। विनायक द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई थी। उसने कहा था कि वह संदिग्ध युवती को ठीक से नहीं जानता। तब पुलिस द्वारा विनायक और युवती का एक अंतरंग फोटो बताया गया तो विनायक के होश उड़ गए। उसके बाद से ही विनायक और संदिग्ध युवती पर पुलिस का शक पक्का हो गया है। बताया जाता है कि विनायक और संदिग्ध युवती के बयान के बाद अब यह आशंका है कि विनायक तथा संदिग्ध युवती दोनों की मिली भगत के कारण भय्यू महाराज ने आत्महत्या की है, और यह भी पुलिस तथ्य जुटाने में लगी है कि ये दोनों अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हैं। संदिग्ध युवती के बारे में पहले उसने यह कहा कि वह केयरटेकर नहीं थी, अब फिर बाद में बताया कि वह केयरटेकर थी। इधर आईपीएस अधिकारी आगम जैन का यह कहना है कि कई सेवादारों के बयान के बाद मंगलवार को भय्यू महाराज की बेटी कुहू के बयान लिए गए। कुहू ने कई बातों के साथ यह भी बताया कि संदिग्ध युवती कह रही है कि वह मेरी केयरटेकर थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब इन तथ्यों को देखते हुए पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।